हे, हाउ आर यू? हाउ इज एवरीबडी एट योर होम? दोस्तों, कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है अपने दोस्तों, अपने फैमिली पर्सन्स या अपने कलीग्स या अपने क्लासमेट्स से ये पूछने की, उनके हाल चाल पूछने की, उनके बारे में पूछने की कि उनके परिवार में सब कुछ कैसे हैं, या फिर उनकी लाइफ कैसी चल रही है, या फिर वो कैसे हैं। इंग्लिश में ये इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोला जाता है, इंग्लिश में हाल चाल कैसे पूछा जाता है, आज हम इस वीडियो में बस यही बात करने वाले हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टॉक टू फमो। आज हम सीख रहे हैं फ्रीक्वेंटली यूज किए जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस में कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आपको जरूरत पड़ेगी उस समय जब आप किसी का हाल चाल पूछने वाले हैं, जब आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदार या फिर अपने फैमिली पर्सन्स या कलीग्स या क्लासमेट्स के हाल चाल पूछने वाले हैं, तो आप इन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। हमें अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अगर हमको उस समय वो सेंटेंसेस नहीं आते हैं तो हमें बहुत बुरा महसूस होता है कि हम इतनी छोटी सी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कैसे हैं, तो इस तरह से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ आर यू? हाउ आर यू, इसका मतलब होता है आप कैसे हैं, यही इसका जवाब हो सकता है फाइन, अच्छा, या फिर इसका जवाब हो सकता है आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ, या फिर कह सकते हैं इसी के लिए प्रिटी वेल। यहाँ पर सेकंड सेंटेंसेस की जरूरत देखते हैं। सेंटेंस है अगला, हाउ इज लाइफ, आपका जीवन कैसा चल रहा है, हाउ इज लाइफ, हाउ इज योर लाइफ भी कहा जा सकता है। वहां उसका आंसर हो सकता है प्रिटी वेल। तो पहला सेंटेंस था हाउ आर यू, इसका आंसर हो सकता है फाइन, और या फिर आंसर हो सकता है आई एम फाइन। अगर आपको इसका आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं आई एम फाइन या फिर फाइन। और सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज लाइफ, जीवन कैसा है, जिंदगी कैसी चल रही है, हाल चाल कैसे चल रहे हैं, तो वहां पर जवाब हो सकता है प्रिटी वेल, बहुत अच्छा। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हाउ आर थिंग्स, चीजें कैसी चल रही हैं आपके जीवन में, चीजें कैसी चल रही हैं, तो इसका आंसर भी हो सकता है फैंटास्टिक। आपका जवाब अगर आपसे ही ये क्वेश्चन पूछ जाता है तो हो सकता है फैंटास्टिक। और हम अक्सर पूछते हैं किसी के वैवाहिक जीवन के बारे में, तो पूछ सकते हैं हाउ इज योर मैरिड लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है, तो उसका जवाब भी हो सकता है फैंटास्टिक, उसका जवाब भी हो सकता है फैंटास्टिक, या फिर इसका जवाब हो सकता है फिट एज अ फिडल, इसका मतलब भी होता है एज यूजुअल या फिर हमेशा की तरह बहुत गजब। ये एक मुहावरा है फिट एज अ फिडल, ये भी आप कह सकते हैं अगर आपसे पूछा जा सकता है हाउ इज योर मैरिड लाइफ। यदि आप किसी से पूछना चाहते हैं आपका वैवाहिक जीवन कैसा है, तो आप पूछेंगे हाउ इज योर मैरिड लाइफ। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर किसी के बारे में पूछा जा सकता है, अगर आपसे कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो आप जवाब देंगे, आपसे पूछा हाउ आर यू, आप कहेंगे फाइन आई एम फाइन, लेकिन आपका फर्ज यहाँ पर बनता है कि आप भी उसके बारे में पूछें कि वो कैसा है, मैं ठीक हूँ लेकिन आप कैसे हैं, तो इसके लिए आप कह सकते हैं फाइन व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या ख्याल है, आप कैसे हैं, या फिर कह सकते हैं हाउ अबाउट यू, आपका क्या ख्याल है, आप कैसे हैं, या फिर कह सकते हैं ये इस तरह के दो क्वेश्चन के जवाब दिए जा सकते हैं। जब आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो फाइन कहने के बाद आपको जरूर कहना है व्हाट अबाउट यू या फिर हाउ अबाउट यू। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाउ इज योर फादर, आप जरूरी नहीं है कि आपके बारे में ही पूछा जाए, आपके पिता के बारे में पूछा जा सकता है वहाँ पर, तब तो आप कहेंगे वह पूछा जा सकता है या आप पूछ सकते हैं, तो कहेंगे हाउ इज योर फादर, आपके पिता कैसे हैं, तो आपका जवाब होगा ही इज फाइन, या फिर पूछा जा सकता है हाउ इज योर ब्रदर, तो यहाँ पर भी उसका जवाब होगा कि इज फाइन, या फिर पूछा जा सकता है हाउ इज
योर मदर, हाउ इज योर मदर, तो इसका जवाब होगा शी इज फाइन। किसी के बारे में पूछा जाएगा जो फीमेल है तो यहाँ होगा शी इज फाइन। पूछा जा सकता है हाउ इज योर सिस्टर, शी इज फाइन। और आप भी इस तरह से पूछ सकते हैं और आपके पास से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके अलावा हम ही इज फाइन, शी इज फाइन तो कह ही सकते हैं, या फिर किसी के बारे में इतना कह सकते हैं, एक और शब्द में बोल सकते हैं ओ शी इज फाइन, या ही या शी इज डूइंग फाइन, ये भी कहा जा सकता है। वो अच्छा कर रही है या फिर अच्छा अच्छी है, ठीक ठाक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ इज एवरीबडी, हाउ इज एवरीबडी, सब कैसे हैं। इस बात का मतलब होता है कि घर पर सब कैसे हैं। या पूछा जा सकता है हाउ इज एवरीबडी एट होम, तो उसका जवाब हो सकता है एवरीबडी इज फाइन, या फिर ऑल आर फाइन, या फिर कहा जा सकता है एवरीबडी इज फाइन एट होम, या फिर ऑल आर फाइन एट होम, घर पर सब ठीक ठाक है, घर पर सब अच्छे हैं। तो इस तरह से हम जवाब दे सकते हैं, एक बार फिर से दोहरा सकते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, जवाब होगा फाइन, मैं अच्छा हूँ या आई एम फाइन। या पूछा जा सकता है हाउ इज लाइफ, जीवन कैसा है, जवाब होगा प्रिटी वेल, या फिर पूछा जा सकता है हाउ आर थिंग्स, इसका जवाब होगा फैंटास्टिक या प्रिटी वेल, यहाँ भी कहा जा सकता है। हाउ इज योर मैरिड लाइफ, उसमें भी कहा जा सकता है फैंटास्टिक, या फिर कहा जा सकता है फिट एज अ फिडल। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जा सकता है, कहा जा सकता है अगर आपसे पूछा है तो आप अपने बारे में बताते हुए फाइन, और फिर तुरंत उससे पूछेंगे व्हाट अबाउट यू, आपका क्या हालचाल है, या फिर हाउ अबाउट यू। आप किसी के पिता के बारे में पूछ सकते हैं हाउ इज योर फादर, तो उसका जवाब होगा आपसे पूछा जाए तो ही इज फाइन। पूछ सकते हैं उसकी माँ के बारे में हाउ इज योर मदर, तो जवाब होगा शी इज फाइन, या फिर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे शी इज फाइन, या फिर हाउ इज योर ब्रदर, तो इसका जवाब होगा ही इज फाइन। और भी आंसर हो सकते हैं ही इज फाइन के अलावा ओ ही इज फाइन, ओ शी इज फाइन, या फिर हो सकता है ओ ही इज डूइंग वेल, शी इज डूइंग वेल, ये भी जवाब हो सकते हैं। पूछा जा सकता है सबके बारे में फैमिली में हाउ इज एवरीबडी, इसका मतलब है सब कैसे हैं, घर में कैसे सब कैसे हैं। या पूछा जा सकता है हाउ इज एवरीबडी एट होम, तो इसका जवाब होगा एवरीबडी इज फाइन, या फिर इसका जवाब होगा ऑल आर फाइन। तो ये थे हाल चाल पूछने वाले सेंटेंस, इंग्लिश में हाल चाल कैसे पूछे जाते हैं आज हमने इस वीडियो में देखा। आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आप इस वीडियो में और क्या चाहते थे, और आप किस तरह के सेंटेंसेस में अटकते हैं बोलने में, और उन तरह के सेंटेंसेस के लिए मैं वीडियो अवश्य ही बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। तो इस वीडियो को देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमेशा इस तरह के वीडियो मिलते रहें। सो दैट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।